अभी तक तो पाकिस्तान की सरकार दुनिया के अलग अलग देशों से भीख मांगती थी, लेकिन अब तो दुनिया पाकिस्तान के लोगों पर भी भीख मांगने का आरोप लगा रही है। ये खबर कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल सच है। पाकिस्तान के हजारों लोग दुनिया के कई देशों में गए और वहां जाकर सड़कों पर भीख मांगनी शुरू कर दी। रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान दुनिया में भिखारियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। पाकिस्तान के लोग खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों में जाते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा वहां भीख मांगना शुरू कर देता है। हालत ये हो गई है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इराक जैसे देशों ने इसकी शिकायत भी करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के ये लोग वीजा लेकर पहुंचते हैं और फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब में ग्रैंड मस्जिद से जितने भी जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें से ज्यादातर पाकिस्तानी होते हैं। पाकिस्तानी लोग सऊदी अरब में मस्जिद के आगे इसलिए भीख मांगते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग रुपए की जगह रियाल में भीख देते हैं। इराक और सऊदी अरब के राजदूत तो खुलकर पाकिस्तान से कह चुके हैं कि आप अपने भिखारियों को हमारे पास क्यों भेज देते हैं, इनकी वजह से हमारे देशों की जेलें भरी हुई हैं। खाड़ी देश खास तौर पर पाकिस्तानी लोगों से परेशान हैं। प्रवासी पाकिस्तानी मंत्रालय के सचिव ने एक मीटिंग में इसे लेकर शर्मिंदगी जताई है। मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि विदेशों में सबसे ज्यादा भिखारी हमारे ही होते हैं। जितने भी भिखारी गिरफ्तार होते हैं उनमें से 90% पाकिस्तानी होते हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक पाकिस्तानी तो विमान के अंदर भी भीख मांगने लगा।